Good evening, viewers. Welcome back to our channel. I am Raju Upadhyay from CMS College Patna, Department of IT. आज हम लोग बात करेंगे Windows 10 के important commands और important tools के बारे में, जो कि हैं तो बहुत important, जरूरी, लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं. तो एक एक करके मैं ये इन सारे tools को मैं डिस्कस करूंगा एज ए टिप्स एंड ट्रिक्स. सो मेरा पहला टिप्स है, अगर मान लीजिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या आप स्टूडेंट हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट को लिख रहे हैं और डॉक्यूमेंट को लिखने के समय आप किसी सोर्स से डॉक्यूमेंट को कॉपी करना चाहते हैं. एज्यूम कीजिए हमारे पास डॉक्यूमेंट ये वाली है और मैं इसके कॉन्टेंट को, या अगर हमारे पास, अगर आप कह लें तो मेरे पास डॉक्यूमेंट एक ये है, इस डॉक्यूमेंट को मैं कॉपी करना चाहता हूं, इसको मैं देख करके लिखना चाहता हूं किसी नए डॉक्यूमेंट में, तो मैं क्या करूंगा, मैं विंडोज की को प्रेस करूंगा जो कीबोर्ड पे होता है. विंडोज के साथ राइट एरो की को मैं प्रेस करूंगा. विंडो को होल्ड करके रखना है और उसके साथ साथ राइट की को प्रेस करना है. और आप देखें यह राइट हैंड साइड में हमारे पास ये डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट खुल गया, राइट. अब इसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड का जो जगह खाली है, इस लेफ्ट हैंड साइड के जगह पे मैं दूसरे डॉक्यूमेंट को खोल लेता हूं जहां पे मेरे को टाइप करनी है. सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे दूसरे डॉक्यूमेंट को ओपन करूंगा. जैसे अज्यूम कीजिए ये हमारी एक नई डॉक्यूमेंट है एमएस वर्ड की. सो मैं ओपन कर लेता हूं एमएस वर्ड के नए डॉक्यूमेंट को और इस डॉक्यूमेंट के अंदर में मेरे को टाइप करना है. सो मैं क्या करूंगा कि यहां पे राइट क्लिक करके और फिर से विंडोज की और साथ में लेफ्ट एरो की मैं प्रेस करूंगा, इस बटन को सेलेक्ट करके, एप्लीकेशन को सेलेक्ट करके विंडो के लेफ्ट, विंडो और लेफ्ट बटन को मैं प्रेस करूंगा. आप देखें कि यहां पे नई फ्रेश एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट खुल गई है. अब मेरे को जो भी लिखना है मैं इस सोर्स डॉक्यूमेंट से मैं देखूंगा और इसको मैं यहां पे टाइप कर सकता हूं. जैसे लेट से मैं यहां पे लिखना चाहता हूं दैट पब्लिकेशन ऑफ सीमेच, तो यहां पे मैं लिखूंगा पब्लिकेशन ऑफ सीमेज लाइक दैट. इस तरह से हम लोग इसको देख करके लिख सकते हैं साइड बाय साइड. अदरवाइज हम लोगों को हमेशा ऑल्ट टैब की प्रेस करके विंडोज को स्विच करना होता है. अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इस मेरी जो डॉक्यूमेंट है मैं जहां पे टाइप कर रहा हूं इसको मैं इस जगह पे मैं एक दूसरा एप्लीकेशन खोलूं, तो मैं क्या करूंगा इस एप्लीकेशन को सेलेक्ट करके उसके बाद कंट्रोल, उसके बाद मैं विंडोज की प्रेस करूंगा और डाउन एरो की प्रेस करूंगा. सो आप देखें कि ये ऑटोमेटिकली एक जगह हमको एलोकेट करके दे दिया और मैं इस एरिया में खोलना चाहता हूं इस डेस्कटॉप वाले विंडो को, तो मैं इस विंडो को क्लिक कर देता हूं. तो मैं अपनी फाइल भी देख सकता हूं, मैं अपने सोर्स डॉक्यूमेंट को भी देख सकता हूं और अपने टारगेट डॉक्यूमेंट में मैं लिख भी सकता हूं. तो है ना ये बहुत कमाल की चीज. यहाँ पे एक साथ अगर आपको राइटिंग करनी है तो दोनों विंडो आपकी साइड बाय साइड खुली हुई है और आप इस विंडो, एक सोर्स विंडो से टारगेट विंडो में आप स्विच कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं. नाउ अब मैं दूसरे टिप्स की ओर चलता हूँ. जैसे आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हो, आप फ्रेंड्स को कोई कोई लेटर लिखते हो, तो यहाँ पे लिखते हैं हाय फॉलोड बाई, आजकल सारे लोग इमोजीज यूज करते हैं, तो आप इमोजी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यही नहीं सभी जगह पे यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे हाई लिखने के बाद आप क्या करो, इमोजी लाने के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 10 जो है ये प्रोवाइड करता है एक ऑप्शन, आप माइक्रोसॉफ्ट बटन के साथ बटन को प्रेस करके उसके साथ साथ डॉट की प्रेस करें. जैसे आप डॉट की प्रेस करेंगे आपके पास पूरे लिस्ट ऑफ इमोजीज आ जाएंगे. लेट्स से आई वांटेड टू हैव इमोजी लाइक दिस, अगर मैं इमोजी किसी और को लेता हूँ, अगर टेक एग्जाम्पल मैं स्माइली इमोजी लेता हूँ, मैं इसको क्लिक किया ये आ गया. फिर उसके बाद आप चाहें तो और भी आप इमोजी ले सकते हैं, इसके साथ साथ मैं इस तरह का हार्ट शेप लेना चाहता हूँ, वी कैन टेक इट. सो आप इमोजी को भी आप आराम से यूज कर सकते हैं. ये सिर्फ एमएस वर्ड में नहीं, आप कहीं भी इस इमोजी को यूज कर सकते हैं क्योंकि ये किसी एप्लीकेशन का फीचर नहीं है, ये आपके विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोवाइडेड फीचर है. एग्जाम्पल के तौर पे इवन आप अगर आप फेसबुक में चले जाते हैं, सो लेट्स से आई एम गोइंग टू ओपन
अब फेसबुक हियर, अगर मैं फेसबुक को भी ओपन कर लूं और फेसबुक के अंदर में अगर मैं इमोजी को यूज करूं तो वहां भी पॉसिबल है। जैसे कि मैं अपने किसी फ्रेंड को अगर कोई मैसेज मैं डालना चाहता हूँ या मैं कुछ यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, हेलो फ्रेंड्स, और मैं यहाँ पे इमोजी अगर लेना चाहता हूँ, ऑल्दो फेसबुक के पास अपनी इमोजी होती है, यहाँ भी विंडोज की के साथ डॉट की मैं प्रेस करूंगा, यहाँ भी हमारे इमोजी आ गए और यहाँ पे इमोजी को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से आई एम टेकिंग दिस विक्ट्री साइन, राइट? सो दिस कैन बी टेकन एनी वेयर एवरीवेयर। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा तीसरे टिप्स की। तीसरा टिप्स जो है, आप अपना नया डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक डेस्कटॉप बनी हुई है, इस डेस्कटॉप में बहुत सारी एप्लीकेशंस खुली हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं टैब की प्रेस करता हूँ, बहुत सारी एप्लीकेशंस यहाँ पे खुली हुई है। आई वॉन्ट टू क्रिएट अनदर डेस्कटॉप। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं फिर से विंडोज की को प्रेस करूंगा और विंडोज की के साथ मैं प्रेस करता हूँ टैब की को। जैसे ही विंडोज टैब एक साथ प्रेस करेंगे, आप देखिए डेस्कटॉप वन खुली हुई है जिसमें मैं काम कर रहा था, डेस्कटॉप टू यहाँ पे अवेलेबल है, राइट? और डेस्कटॉप टू के साथ न्यू डेस्कटॉप भी आप बना सकते हैं। पुरानी डेस्कटॉप डिलीट करनी है, आप क्रॉस बटन को क्लिक करेंगे, वो डेस्कटॉप खत्म हो जाएगी। क्लियर? फिर से मैं अगर विंडोज और टैब की प्रेस करता हूँ, क्लियर, तो यहाँ पे हमारे पास एक नई डेस्कटॉप आ गई। मैं यहाँ पे नए डेस्कटॉप पर क्लिक करता हूँ और नए डेस्कटॉप में डेस्कटॉप नंबर टू में मैं चलता हूँ। देखिए यहाँ पे इस डेस्कटॉप पे कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। मैं यहाँ पे एक नए एप्लीकेशन को खोलता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे खोलता हूँ नोटपैड को। मैंने यहाँ नोटपैड पे खोल लिया और मैं नोटपैड पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ, राइट? अगर आपको पुराने डेस्कटॉप पे जानी है तो आप क्या करना, आपको प्रेस करना है कंट्रोल, कंट्रोल के साथ वही विंडोज की, और विंडोज की के साथ लेफ्ट एरो की आप क्लिक करेंगे, लेफ्ट एरो की क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रीवियस डेस्कटॉप पे ले जाएगा। तो रिमेम्बर, मेरा प्रीवियस डेस्कटॉप यही था। फिर मैं अगले डेस्कटॉप पे जाना चाहता हूँ जो फ्रेश डेस्कटॉप मैंने बनाया है, तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल विंडो और राइट एरो की, ये हमारा नया डेस्कटॉप आ गया। अगर आप चाहते हैं एक नई डेस्कटॉप बनानी, फिर से आप यहाँ पे प्रेस करेंगे विंडोज अनफॉलोड बाय टैब की, और आप देखिए यहाँ पे न्यू डेस्कटॉप का एक ऑप्शन दिया। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, एक नया डेस्कटॉप हमारे सामने आ गया। इस नए डेस्कटॉप पे फिर से मैं कोई दूसरी एप्लीकेशन खोल लेता हूँ, जैसे लेट्स से मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे पेंट एप्लीकेशन, राइट? सो इस तरह से मैं यहाँ पे कुछ काम कर सकता हूँ। अब मेरे पास तीन तीन डेस्कटॉप अवेलेबल हैं। अब ये तीनों डेस्कटॉप में आप स्विच ओवर कर सकते हैं। अगर आपको पिछले डेस्कटॉप में जानी है तो कंट्रोल विंडो लेफ्ट एरो की यूज करेंगे, यह मेरा डेस्कटॉप नंबर टू था। अगर मैं कंट्रोल विंडो, कंट्रोल की प्लस विंडोज की माइक्रोसॉफ्ट कीज और उसके बाद लेफ्ट एरो की मैं प्रेस करूँ, ये पहले विंडो में आ गया। इस तरह से आप मल्टीपल विंडोज बना सकते हैं और मल्टीपल विंडोज में आप स्विच कर सकते हैं, राइट? इस तरह से आप अपने आप कोई भी टास्क कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अगले ऑप्शन की, दैट इज कॉल्ड टिप नंबर 4। और मैं बता दूं कि जो मैं अभी डेस्कटॉप शेयर कर रहा था, मैक्सिमम आप ये 10 डेस्कटॉप को शेयर कर सकते हैं, उससे ज्यादा डेस्कटॉप एट ए टाइम शेयर नहीं कर सकते। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ टिप नंबर 4 पे। टिप नंबर 4 पे अगर आप चाहते हैं कि अपने अपने कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाना, तो आप क्या करोगे कि आप विंडोज के अपने डेस्कटॉप के ऊपर में आप जाओगे और डेस्कटॉप में जाकर के राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक में करके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले सेटिंग की। आप यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। डिस्प्ले सेटिंग के अंदर में आपके पास यहाँ पे स्टोरेज है। स्टोरेज के अंदर में जाकर के आप देखिए, ऑटोमेटिकली ये जनरेट करेगा बहुत सारा आइटम्स। नॉर्मली हमारे कंप्यूटर स्लो हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे गार्बेज फाइल्स हमारे सिस्टम्स के अंदर में जमा होते रहता है। तो आप स्टोरेज को आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ये क्लीन होता रहे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, स्टोरेज सेंस कैन ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस बाई गेटिंग राइट ऑफ फाइल्स यू डोंट नीड। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये फीचर ऑफ है, आप इसको ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद ऑटोमेटिकली ये सिस्टम जो है वो चेक करता रहेगा और आपके अनवांटेड डेटा को क्लीन करेगा। उसके लिए आप फिर से आप यहाँ पे स्टोरेज में जा सकते हैं, और स्टोरेज में जाने के बाद
क्लियर। और आप यहाँ पे स्टोरेज है, और यहाँ पे स्टोरेज के अंदर में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कैसे ये आपका स्टोरेज से डेटा को डिलीट करता रहेगा। तो यू कैन सेट द ऑप्शंस फ्रॉम हियर एंड योर टास्क विल बी परफॉर्म्ड, राइट। तो आप इस तरह से स्टोरेज को आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस है, या व्यू स्टोरेज यूसेज को आप यूज कर सकते हैं। इसके आगे आप क्लिक कर सकते हैं, एक और ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सबसे ऊपर में यहाँ पे है कॉन्फिगर स्टोरेज स्पेस और रन इट नाउ। सो इसको जैसे क्लिक करेंगे आपके पास देखिए टास्क आ गया कि आप चाहें तो हर 30 डेज पे आप अपने फाइल को, टेम्पररी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं टास्क बहुत करता हूँ, हर 14 डेज पे मैं डिलीट करूँ, तो यहाँ पे मैं 14 डेज सेलेक्ट करूंगा। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ मैं बहुत सारी फाइल को डाउनलोड करता हूँ, जितने भी फाइल को आप डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से या कहीं भी सोर्स से, ये सारे आपके डाउनलोड फोल्डर में चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डाउनलोड फोल्डर्स को भी क्लीन करते रहें और फ्रिक्वेंटली क्लीन करें, तो आप यहाँ पे या तो 14 डेज डाल सकते हैं। अगर 14 डेज अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके डाउनलोड फाइल्स के अंदर में जो कंटेंट है, अगर 14 दिन से ज़्यादा पुराने हो गए, तो इसको ये ऑटोमेटिकली ये डिलीट करेगा। दैट मीन्स कि आपने डाउनलोड किया, 14 डेज तक आपने यूज़ नहीं किया, ऑटोमेटिकली उसको डिलीट करेगा। लेकिन और यहाँ पे इसके बाद अगर आप इंस्टेंटली अगर आप क्लीन करना चाहते हो डेटा डेटा को, तो यू कैन क्लिक ऑन क्लिक नाउ। अब मैं बात करूँगा आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, दैट इज कॉल्ड वीडियो एडिटर की। अगर आपको वीडियो एडिट करनी है तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वीडियो एडिटर के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लेकिन आपके विंडोज 10 के अंदर में ही वीडियो एडिटर है। सो हम लोग क्या करेंगे कि इस सर्च बार पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे वीडियो एडिटर। आप देखें यहाँ पे वीडियो एडिटर हमारे सामने है। इस वीडियो एडिटर के अंदर में ये ऑटोमेटिकली आपका एप्लीकेशन खोलेगा और आपके सामने में ये वीडियो एडिटर स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप नई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैंने एक वीडियो यहाँ ले रखा है किसी स्टूडेंट का, ये वीडियो मेरे सामने आ गया, राइट। अब इस वीडियो को आने दीजिए। ये वीडियो आइडियली अगर आप देखें, ये हमारी वीडियो जो है यहाँ पे दिख रहा है 2 मिनट और 90 सेकंड का। आप चाहें तो वीडियो को कट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो का कट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रिम ऑप्शन है। ट्रिम ऑप्शन में जाकर के अब यहाँ पे टोटल अगर आप वीडियो का अगर आप नोटिस करें, ये वीडियो हमारी टोटल 4 मिनट 24 सेकंड और 4 मिनट 24 सेकंड और 70 माइक्रो सेकंड की है। अब इसको मैं कट करना चाहता हूँ, तो जितना दूर कट करना चाहते हैं इसको आप मार्क कर लें, और मार्क करने के बाद आप इस वीडियो में से टोटल लेंथ में से 1 मिनट 46 सेकंड का आपने कटने की कोशिश की है, और यहाँ पर डन को क्लिक कर दीजिए और ये आपका वीडियो कट हो जाएगा। तो आप देखें आपका यहाँ पे वीडियो कट होकर के 3 मिनट 54 सेकंड का हो गया सिर्फ। आप चाहें तो इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं, राइट। अब इस वीडियो को आप चाहें तो स्प्लिट भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे वीडियो है 2 मिनट 38 सेकंड का, तो आप चाहें तो इसको स्प्लिट करें। इसको क्लिक करिए, स्प्लिट बटन को क्लिक कीजिए, और कितने दूर तक इस वीडियो को स्प्लिट करना है तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। जैसे यहाँ पे स्पेसिफाई मैंने कर दिया, 1 मिनट 20 सेकंड के बाद मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ, ये डन को क्लिक करते आपका वीडियो स्प्लिट हो गया। तो पहले यहाँ 2 वीडियो दिख रहा था, ये स्प्लिट होकर के 3 वीडियो आ गया। इसके अंदर में आप और भी काम कर सकते हैं, 3D इफेक्ट डाल सकते हैं वीडियो पे। अब ये 3D इफेक्ट को अगर आपको डालना है, ये 3D इफेक्ट को आप यहाँ से ले सकते हैं, और 3D इफेक्ट में यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग 3D इफेक्ट्स हैं, जैसे स्पार्कलर इफेक्ट है, क्लियर। तो आप चाहें तो स्पार्कलर इफेक्ट को जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये वीडियो यहाँ पे आ गया। अगर आप चाहें तो इसको डन करें, और जैसे ही डन करेंगे तो आपके इस वीडियो के अंदर में इसका ये इफेक्ट दिखेगा। जब आप वीडियो को प्ले करेंगे तो आप देखिए स्पार्कलिंग इफेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। इस तरह से इस वीडियो के अंदर में और भी आप इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर में बहुत सारे यहाँ पर टेक्स्ट अवेलेबल हैं। किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कीजिए, या आप अपना कोई टाइप कर सकते हैं, और टाइप करके यहाँ पे किसी टेक्स्ट को डाला जा सकता है। जैसे लेट्स से यू कैन राइट एनीथिंग वेयर, और यू कैन
सेलेक्टेड फ्रॉम हेयर, राइट। इसमें मोशन भी आप प्लेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अलग अलग स्पेशल इफेक्ट डाल सकते हैं, क्लियर। और ये सारी चीज आपके वीडियो के ऊपर में अप्लाई होगी 3D इफेक्ट के तौर पे। यहाँ पे और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसको इफेक्ट्स के अंदर में जाएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, यू कैन स्क्रॉल डाउन एंड वी कैन सी द वेरियस काइंड ऑफ इफेक्ट्स। एक्सप्लोजन इफेक्ट है, डस्ट इफेक्ट है, फायर वर्क्स इफेक्ट है। अगर मैं इसको लेकर के यहाँ से ट्रैक करके डालूँ और वीडियो पे अगर आ गया, आप चाहे तो इस वीडियो को प्ले करके आप इसको देख सकते हैं, इसके इफेक्ट को। सो यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ इफेक्ट। सो इन दिस वे यू कैन एडिट द वीडियो एज वेल। अब मैं चलता हूँ अपने टिप नंबर सिक्स पे। टिप नंबर सिक्स में मैं यहाँ पे अपने स्क्रीन, अब मैं यहाँ चाहूंगा कि टिप नंबर सिक्स में मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लें। कभी कभी हमारे स्क्रीन पे जो आइटम्स होते हैं उसका स्क्रीनशॉट भी हम लोग लेते हैं। सो अगर आप अपने आपके स्क्रीन पे अगर कुछ फाइलें खुली हुई है, इंपॉर्टेंट फाइल है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं, राइट। तो स्क्रीनशॉट को लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रेस करना होगा विंडोज शिफ्ट और एस की। जैसे विंडोज शिफ्ट और एस की प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली ये स्निपिंग टूल आपके सामने आएगा और यहाँ से अलग अलग तरीके का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप पूरी विंडो की स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप यहाँ पे इस बटन को क्लिक करेंगे, पूरी की पूरी विंडो की कॉपी बनेगी। और विंडो की कॉपी बनने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। अज्यूम कीजिए कि मैं इस विंडो को अब मैं पेंट ब्रश में डालना चाहता हूँ। मैं ओपन करूंगा पेंट ब्रश को और पेंट ब्रश के अंदर में, लेट्स से आई विल ओपन पेंट ब्रश। मैं पेंट ब्रश को ओपन कर लेता हूँ और पेंट ब्रश को ओपन करके इसके अंदर मैं अपने स्क्रीनशॉट के कंटेंट को अगर डालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल की, कंट्रोल वी में प्रेस करता हूँ तो ये कंटेंट हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। आप चाहें तो डिफरेंट तरीके से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका अगला तरीका है, लेट्स से आई एम गोइंग टू ओपन वन कलरफुल विंडो और मैं ये AI मूवी का स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, सिर्फ इसी एरिया का। सो मैं फिर से प्रेस करूंगा विंडोज की शिफ्ट की और उसके बाद एस की। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से रेक्टेंगुलर क्लिप में ले करके और सिर्फ ये AI मूवीज वाले ऑप्शन को मैं क्लिप करता हूँ और ये क्लिप करके ये ऑलरेडी कॉपी हो चुकी है और मैं इसको जहाँ भी प्लेस करना है वहां जाके मैं प्लेस कर सकता हूँ। लेट्स से मैं इसको अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में रखना चाहता हूँ। MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को ओपन करके आप जैसे ही आप प्रेस करेंगे कंट्रोल डी तो ये कंटेंट आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये इस तरह से आप स्क्रीनशॉट पार्शियल भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट फुल स्क्रीन भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट को आप अपने फ्री हैंड टाइप से भी स्निप करके आप निकाल सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। नॉर्मली हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं पूरे कंप्लीट स्क्रीन की, लेकिन आप स्क्रीन के अंदर में से भी पोर्शन को आप कट करके आप वहां पे यूज कर सकते हैं जहां भी जरूरत हो। नाउ मैं अपने टिप नंबर सेवन पे चलता हूँ और इसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि अगर आप रात में काफी देर तक काम करते हैं तो ऑब्वियसली ये एडवाइजेबल होता है कि हम लोग अपने स्क्रीन को नाइट लाइट स्क्रीन मोड पे सेट कर लें। अब ये कैसे होता है आप देखिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सर्च बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे नाइट, राइट। जैसे ही लिखेंगे नाइट लाइट, ऑटोमेटिकली ये नाइट लाइट यहाँ पे आएगा और ये नाइट लाइट को ओपन करेंगे और यहाँ पे देखिए ये बाय डिफॉल्ट नाइट लाइट सेटिंग जो है ऑफ होता है। आप चाहें तो इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। टर्न ऑन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है टर्न ऑन नाउ, टर्न ऑन नाउ। जैसे मैं इसको टर्न ऑन नाउ क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली नाइट लाइट व्यू में आ गया। आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन का कलर जो नॉर्मल डिफॉल्ट कलर था उसे चेंज हो गया। आप इसको और अच्छी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज द डे व्यू और जैसे जैसे आप इसके सेचुरेशन व्यू को अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं और आप यहाँ पे इसको आप डार्क मोड में भी लेके जा सकते हैं। बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट रिकमेंडेड
हम लोग रिकमेंड करते हैं कि मैक्सिमम इसको 75% तक रख सकते हैं। अगर आप चाहें इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं, दैट मीन्स हमेशा हमको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जैसे ही टाइम चेंज होगा ये खुद ब खुद ये सेट होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सेट आवर्स में जाएंगे, सेट आवर्स में बताएंगे कि किस समय ये टर्न ऑन होगा। ऑब्वियसली रात का समय में ये ऑन होगा, या टर्न ऑन में मैं यहाँ पर टाइम सेट करता हूँ। लेट्स से मैं रात में 8 बजे के 8 बजे इसको मैं ऑन कर लेना चाहता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया 8 PM, क्लियर। उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ ये टर्न ऑन रहे सुबह 5 बजे तक के लिए, तो मैं ये टर्न ऑफ को मैं सेलेक्ट करूंगा, और टर्न ऑफ को मैं सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा इसका भी टाइम। तो इसके भी टाइम को अगर आप क्लिक करके आप मॉडिफाई करते हैं, तो ये रात में 9 बजे से स्टार्ट होगा और ये सुबह 7 बजे ऑटोमेटिकली आपका नाइट लाइट सेटिंग ऑफ हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, यू कैन ट्राई इट आउट एंड यू कैन सेव योर आईज। अब मैं चलता हूँ अपने अगले टिप पे, दैट इज कॉल्ड टिप नंबर 8। वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे विंडो को स्विच करते हैं। एज्यूम कीजिए कि हमारे टास्क बार पे, अगर आप टास्क बार को नोटिस करें, हमारे पास बहुत सारे विंडोज हैं, राइट। इस टास्क बार के अंदर में आप देखें तो मेरी पहली विंडो है फाइल एक्सप्लोरर, दूसरी विंडो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, तीसरी विंडो है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, चौथी एप्लीकेशन है गूगल क्रोम। तो अगर आप चाहते हैं कि पहला विंडो को आप ओपन करें, तो ये ओपन करना या तो आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर इसको शॉर्टकट से भी आप ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करने का बेस्ट शॉर्टकट है कि आप विंडोज बटन प्रेस करें, और विंडोज के साथ इसके ऑर्डर के अनुसार, अगर ये फर्स्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है तो विंडोज बटन को प्रेस करके 1 प्रेस करेंगे तो आपका ये देखिए फाइल एक्सप्लोरर ओपन हुआ। अगर मैं चाहता हूँ फोर्थ एप्लीकेशन को खोलूँ, दैट इज कॉल्ड गूगल क्रोम, सो मैं क्या करूँगा, मैं प्रेस करूँगा विंडोज बटन, और विंडोज के साथ 4 मैं प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिकली ये आपका गूगल क्रोम ओपन करेगा। सो आप अपने इस टास्क बार पे जितने भी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के सीरियल ऑर्डर के बेसिस पे आप शॉर्टकट के तौर पे आप यूज़ करेंगे विंडोज की प्लस नंबर की। सो बेस्ड ऑन द ऑर्डर उस नंबर को प्रेस करेंगे उस एप्लीकेशन को आप खोल पाएंगे, राइट। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टिप इज टिप नंबर 9। दैट मीन्स आप अपने स्क्रीन, अगर मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है और वो बार बार आपको कहता है कि अगर कोई टास्क परफॉर्म करना है और वो टास्क परफॉर्म नहीं कर पाता है, और वो बार बार आपको मैसेज करता है या फोन करता है, और वो कहता है कि आप मेरे को स्टेप्स बताओ कि मैं उस स्टेप्स को फॉलो करके मैं अपने काम को कर सकूं, तो ये सारे टास्क को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे उसकी स्टेप्स की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके स्टेप्स को रिकॉर्डिंग करने के लिए अलग से कोई टूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके सिस्टम के अंदर में अवेलेबल है स्टेप्स रिकॉर्डर। सो आप क्या करें, क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग सर्च विंडो में जाएंगे और वहां पे लिखेंगे स्टेप्स रिकॉर्डर। जैसे ही आपने स्टेप्स रिकॉर्डर लिखा, ऑटोमेटिकली स्टेप्स रिकॉर्डर आपके सामने आ जाएगा, और आप नोटिस करें ये स्टेप्स रिकॉर्डर हमारे सामने आ गया। अब मान के चलिए कि मैं अपने फ्रेंड को समझाना चाहता हूँ, उसको मैं स्टेप्स दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर में मेल मर्ज होता है, दैट इज हिज डिमांड। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले मैं MS वर्ड को मैं ओपन कर लेता हूँ, मैंने वर्ड 2013 को ओपन कर लिया। इसके ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये स्टेप्स रिकॉर्डर को मैं अब यूज़ करूँगा। स्टेप्स रिकॉर्डर को ओपन करके आप नोटिस करें यहाँ पे एक बटन है स्टार्ट रिकॉर्ड की, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा स्टार्ट रिकॉर्ड। जैसे ही स्टार्ट रिकॉर्ड को मैं क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। इसके लिए मैं अपने फ्रेंड्स को के लिए मैं रिकॉर्डिंग तैयार कर रहा हूँ कि मैं उसको स्टेप्स रिकॉर्ड करके उसको मैं मेल से या व्हाट्सएप से मैं भेज दूंगा, और वो हमारे सारे स्टेप्स को स्टेप बाई स्टेप देख करके अपने टास्क को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए। सो उसके लिए मैं अज्यूम करिए कि मैं यहाँ पे जाता हूँ फाइल में, और फाइल के अंदर में एक
मेन्यू बार के ऊपर में एक ऑप्शन है मेलिंग का, आई सेलेक्ट द मेलिंग, और जैसे ही मैं मेलिंग को सेलेक्ट करूंगा हमारे पास ऑप्शन आ गया स्टार्ट मेल मर्ज, आई क्लिक ऑन दिस, और यहाँ पे ऑप्शन है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, मैं इसको क्लिक करूंगा, और यहाँ पे ये एक एक करके हमारे ऑप्शंस को प्रोवाइड कर रहा है, और मैं ऑप्शन के साथ आगे चल रहा हूँ, और ये जितने भी स्टेप्स हैं इस स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद मैं अपने रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूंगा। सो जैसे ही मैंने किया स्टॉप रिकॉर्ड, ऑटोमेटिकली हमारी रिकॉर्डिंग स्टॉप होगी और सारे रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल होंगे हमारे सामने। तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं स्टेप नंबर वन में मैंने 7 जुलाई 2023 को शाम में 6:06 कुछ सेकंड में मैंने पहले ये टास्क परफॉर्म किया, फिर दूसरा टास्क किया था, तीसरा टास्क किया था, चौथा टास्क किया था, ये मैंने जितने भी की स्ट्रोक्स वहां पे यूज किए इन सारे की रिकॉर्डिंग करके ये हमारे पास लिस्ट दे दिया। अब आप अपने फ्रेंड को अगर आप भेजना चाहते हैं आप इसको सेव करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास सेव का, सेव ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और सेव ऑप्शन में सेलेक्ट करके यहाँ पे हमको फाइल नेम देनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेल मर्ज स्टेप्स, अब ये लिख करके मैं सेव कर दूंगा और ये सारे स्टेप्स को मैं अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड कर दूंगा। तो इस तरह से आप किसी भी तरह के स्टेप्स को आप परफॉर्म कर सकते हैं और परफॉर्म करके अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अब मैं चलता हूँ अपने फाइनल टिप्स पे, दैट इज कॉल अगर आपको कोई भी डेटा को मैग्नीफाई करके देखना है प्लस उस डेटा को आप रीडिंग करवाना चाहते हैं अलग अलग इफेक्ट के साथ अलग अलग वॉइस के साथ, दैट ऑल्सो यू कैन डू। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक मैं एप्लीकेशन को खोल लेता हूँ। जैसे अज्यूम कीजिए हमारे पास एमएस वर्ड में कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैं एमएस वर्ड में कुछ यहाँ पे लिख रखा हूँ, सो लेट मी ओपन दैट एमएस वर्ड एप्लीकेशन, और हमारे पास इस एमएस वर्ड के अंदर में कंटेंट लिखा हुआ है रिलेटेड टू डेटा फ्लो डायग्राम, राइट। तो मैं इसको ओपन करता हूँ डेटा फ्लो डायग्राम वाले ऑप्शन को। अब यहाँ पे मैग्नीफायर को अगर यूज करना है तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की अवेलेबल है, इसके लिए आपको अलग से ऑप्शन यूज करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे विंडोज की, और विंडोज की के साथ प्लस की को मैं यूज करूंगा। जैसे विंडो प्लस को मैं एक साथ प्रेस करता हूँ ऑटोमेटिकली हमारे पास ये मैग्नीफायर एक्टिवेट हो गया है। अब ये मैग्नीफायर में अगर आप चाहें तो जैसे इसको प्ले करेंगे ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट प्लेइंग एवरीथिंग। अगर आप चाहते हैं कि इस मैग्नीफायर के मदद से किसी स्पेसिफिक लाइन को देखना तो आप यहाँ से मैग्नीफाई करके आप इसको देख सकते हैं, राइट। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को हम लोग इसको अच्छी तरह से इसको आप चाहते हैं कि यहाँ से ये डिटेलिंग दे तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं। द मोमेंट यू विल स्टार्ट प्लेइंग इट इज गोइंग टू प्ले समथिंग, राइट। ये आपका ये प्ले करना स्टार्ट करेगा, इट्स कीप ऑन टेलिंग यू द थिंग्स, बट लेकिन ये जो प्ले करेगा ये इंग्लिश एक्सेंट में करेगा। तो हमारे पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो डिफरेंट एक्सेंट में भी आप इसको प्ले कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, यू कैन क्लिक ऑन दिस सेटिंग गियर, राइट। इसको ओपन करके आप देखिए यहाँ पे वॉइस के अंदर में बहुत तरह का वॉइस है, यहाँ पे इंडियन एक्सेंट में अगर आप चाहते हैं यहाँ पे लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट कल्पना, सो एक लेडी के वॉइस में आएगा, अगर आप लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट हेमंत ये मेल के वॉइस में आएगा, और इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो कंटेंट है इसके प्रीवियस स्टेटमेंट को प्ले करना तो प्रीवियस बटन को क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप को प्ले करना तो नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप इसके शॉर्टकट हैं Alt F4 से आप मूव कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग अमेजिंग टूल फॉर एवरीवन, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है क्वेरीज है तो हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेरीज क्वेश्चंस को लिखेंगे, मैं उसको रिवर्ट बैक करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं ये वीडियो आपको डायरेक्टली नोटिफाई करे
और आप इसको देख करके यूजफुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के मैं आगे भी आऊँगा। टिल देन कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।